कराची में अमरीकी कौंसलेट की जानिब से मकामी शराकत दारों के साथ हफ्ता कारोबार मनाया गया। तर्जुमान अमेरिकन कौंसलेट का कहना है कि इन सरगर्मियों का मकसद पाकिस्तान में कारोबारी और तजारती सरगर्मियों के लिए जदीद और साजगार माहौल को फरोग देना है। समर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। अमेरिकन कौंसलेट की जानिब से कराची में 14-19 नवंबर बैनुल अक्वामी हफ्ता बराए कारोबार मनाया गया। प्रोग्राम के तहत नए कारोबारी अफराद, तालीमी नुमाइंदगान, नौजवान और सहाफियों के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए गए। पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन की जानिब से सिलिकॉन वैली के ट्रेनर और मारूफ मुकर्रर ऑस्कर गार्शिया को कराची और इस्लामाबाद की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। ऑस्कर गार्शिया अमरीका में कारोबार के लिए नए जहतो जिद्दत लाने वाली कंपनी एस्प्रा के बानी और चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं। अमरीकी कौंसल जनरल नकुल ट्रियो के मुताबिक पाकिस्तान के साथ पायदार ताल्लुकात और अमरीका कदर की निगाह से देखता है। हमारे ख्याल में एक मुस्तहकम खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान ख्वातीन को बाइख्तियार और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए शराकत दारी में इजाफा करने का भी इरादा रखता है, जबकि पाकिस्तान में कारोबार के लिए मुस्बत माहौल की तरवीज और तरक्की के लिए तआवुन भी जारी रखा जाएगा। आज़रबाईजान के सफीर ने अहलिया के हमराह जनूबी पंजाब